कोरोना वायरस के चलते जैसलमेर में रहने वाले सैकड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन होने की वजह से सभी तरह के निर्माण एवं अन्य कार्य बंद है। प्रशासन की तरफ से सभी को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस कारण गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। मजदूरों के घर में कैद हो जाने से उनके सामने भूखा रहने की नौबत आ गई। लॉकडाउन के चलते पिछले कई दिन से अपने झोपड़ों में बंद भूख से हताश और परेशान होकर अब यह लोग सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बातचीत करने पर इन लोगों ने बताया कि जब काम ही नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे और पैसे नहीं होंगे तो वह 10 दिन कैसे गुजार पाएंगे। ऐसे में तो वह लोग भूख से मर जाएंगे। हालांकि नगर परिषद उन्हें भोजन के पैकेट तो भिजवा रही है, लेकिन उनके लिए और उनके बच्चों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इस तरह से यहाँ प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। भूखे मिल रहे थे, मिल गए, काका सब व्यवस्था मिल गई तो अच्छा रहा मेरे के लिए। बस इसको तो वह मिल जाए तो मेरे को भी। बस भूखे मर रहे थे हम। खाने पीने पे नहीं, मुसलमान भाई आप सहायता करो हमारी। राशन पानी का सामान है नहीं और वो लोग भी सहायता नहीं करते। पूरी दिन आते वो भी सहायता नहीं करते। ठीक है, एक एक तक का खाना दे के जाते, फिर एक आधे बच्चे भूखे सोते और आधे ने ऐसे टाइम पास करके क्या करा। भाई लोग तो मदद करो हमारी, राशन पानी का सामान दीजिए।